वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 अगस्त 2019 और 20 अगस्त 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप तुरंत माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि आखिर यह विश्व मानवतावादी दिवस मनाया क्यों जाता है। तो ऐसे श्रमिक जिन्होंने मानवतावादी कार्यों के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 19 अगस्त को यह विश्व मानवतावादी दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। अब इस बार के वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे पर एक कैंपेन चलाया गया है, हैशटैग विमेन ह्यूमैनिटेरियंस। तो ये कैंपेन का नाम भी आपको याद रखना है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अगस्त में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में बताता हूं। अगस्त में पहला इंपोर्टेंट डे बनाया गया था 6 अगस्त को, और क्या था? हिरोशिमा डे। उसके बाद आया था 7 अगस्त को मनाया गया था नेशनल हैंडलूम डे। अगस्त में नेशनल हैंडलूम डे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। उसके बाद आया 9 अगस्त को मनाया गया था नागासाकी डे। उसके बाद आया 10 अगस्त और 10 अगस्त को मनाया गया था विश्व जैव ईंधन दिवस। उसके बाद आया 12 अगस्त को मनाया गया इंटरनेशनल यूथ डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और जब मैंने आपको इंटरनेशनल यूथ डे के बारे में बताया था तो नेशनल यूथ डे के बारे में भी बताया था। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर, और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोनों आपको एक साथ याद रखने हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। और अब ये 19 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। तो इंपोर्टेंट डे आपको इसी सीक्वेंस में और इसी फ्लो के साथ याद होने चाहिए। लेकिन याद तब भी होंगे जब कोई भी इंपोर्टेंट डे आए आप उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज करिए। इंपोर्टेंट डे से क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में बनता है, तो जब भी कोई इंपोर्टेंट डे आया करे आप उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे तुरंत रिवाइज कर लिया करो जिससे कि ये आपको याद पड़े रहे। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 12 एशियन टेनिस चैंपियनशिप किसने जीती है? तो अभी अपने देश भारत ने चाइना को हराकर ये अंडर 12 एशियाई टेनिस चैंपियनशिप जीत ली है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, अपने देश भारत ने जीती है और चाइना को हराकर जीती है। अब यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अंडर 12 एशियन टेनिस चैंपियनशिप हुई कहां पे है? तो ये कजाकिस्तान में हुई है। कहां पे हुई है? कजाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार? तो ये यूएई का सबसे बड़ा पुरस्कार है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, और इसी से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। ऑर्डर ऑफ जायद यूएई के संस्थापक थे शेख जायद बिन सुल्तान अल नहान, उन्हीं के नाम पर ही है ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार, और इसी से अभी प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया जाएगा। अभी मोदी जी यूएई जाएंगे और तब उनको ये ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार मिलेगा। अब यूएई का ये सर्वोच्च सम्मान है, तो आप मैप में देखिए, ये है यूएई। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जयाद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल फगडाबा योजना शुरू की है? तो अभी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने
स्कूल फग डाबा योजना शुरू की, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है स्कूल फग डाबा योजना, तो सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए ये स्कूल फग डाबा योजना लॉन्च की है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने। अब ये मणिपुर में लॉन्च हुई है, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? पद्मनाभा आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र का निधन हुआ है? तो जगन्नाथ मिश्र ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे और अभी इनका निधन हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे जगन्नाथ मिश्र, ये 3 बार बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे थे और बिहार यूनिवर्सिटी में ये इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी थे और अभी इनका निधन हो गया है। अब ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो आप मैप में देखिए, ये है बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। और बिहार के अभी प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूमिगत बंकर संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है? तो अभी मुंबई में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भूमिगत बंकर संग्रहालय का उद्घाटन किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भूमिगत बंकर संग्रहालय यानी कि अंडरग्राउंड बंकर म्यूजियम, इसका उद्घाटन अभी मुंबई में किया गया है। एक्चुअल में इसकी खोज की गई थी 2016 में। ये बंकर ब्रिटिश टाइम का है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे उस टाइम का ये बंकर है और इसको 2016 में खोला गया था और अब इसका उद्घाटन किया है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ये ध्यान रखना, ये बंकर है मुंबई में। कहां पे है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रसेल डोमिंगो को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो रसेल डोमिंगो ये बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अपॉइंट हो गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं रसेल डोमिंगो, ये साउथ अफ्रीका के कोच रह चुके हैं और अब इनको बांग्लादेश क्रिकेट टीम का नया कोच अपॉइंट किया गया है। अब ये बांग्लादेश क्रिकेट टीम के चीफ कोच अपॉइंट हुए हैं, तो आप मैप में देखिए, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। ये चीजें आपको याद हो चुकी होंगी, लेकिन कोई भी चीज कितने भी बेहतर तरीके से याद हो जाए, फिर भी जब तक लाइफ में स्टूडेंट शब्द लगा है, आपको रिवाइज करने की हैबिट नहीं छोड़नी है। मैं आज भी रिवाइज करता हूं, मुझे कोई भी चीज कितने भी बेहतर तरीके से याद होती है, फिर भी मैं उसे रिवाइज करता हूं। और आपको जब तक आपकी लाइफ में स्टूडेंट शब्द लगा है, तब तक आपको रिवाइज करने की हैबिट नहीं छोड़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिल्का और अंशुपा झीलों की संरक्षण योजना को मंजूरी दी है? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने चिल्का और अंशुपा झीलों की संरक्षण योजना को मंजूरी दी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये जो दो झीलें हैं, चिल्का और अंशुपा, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है? चिल्का झील ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आप याद रखिए चिल्का झील। और कभी कभी बेसिक ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि चिल्का झील है कहां, तो ये उड़ीसा में है। दूसरी झील है अंशुपा झील, ये उड़ीसा की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अंशुपा झील उड़ीसा की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब इन दोनों झीलों की संरक्षण योजना को मंजूरी दी है उड़ीसा गवर्नमेंट ने, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, जब भी बात उड़ीसा की आती है, मैं आपको हमेशा बताता हूं, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल दिया गया है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है और इसी द्वीप पर अग्निफायर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक कहां आयोजित की जाएगी? तो अभी भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक नेपाल की कैपिटल काठमांडू में आयोजित की जाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू में ये भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक आयोजित की जाएगी
और इस बैठक में इंडिया की तरफ से हमारे प्रेजेंट टाइम के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये नेपाल के साथ है संयुक्त बैठक, तो आप मैप में देखिए, ये है नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। अच्छा, केपी शर्मा में केपी की फुल फॉर्म क्या है? खड़ंग प्रसाद शर्मा ओली। तो केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एथलेटिक मिंटिक रीडर इवेंट में हिमा दास ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी एथलेटिक मिंटिक रीडर इवेंट में हिमा दास ने स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि गोल्ड मेडल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं हिमा दास और इन्होंने ही एथलेटिक मिंटिक रीडर इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये एथलेटिक मिंटिक रीडर इवेंट हुआ कहां पे है? तो ये चेज रिपब्लिक में हुआ है। कहां पे हुआ है? चेज रिपब्लिक में। अब चेज रिपब्लिक में हुआ है तो ये है मैप में चेज रिपब्लिक। चेज रिपब्लिक की कैपिटल क्या है? परागुए। चेज रिपब्लिक की करेंसी क्या है? चेज कुरुना। और चेज रिपब्लिक के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंड्रिज बाबिस। कौन है? एंड्रिज बाबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीचर एजुकेशन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया है? तो अभी टीचर एजुकेशन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक और इन्होंने ही टीचर एजुकेशन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। अच्छा, ये जो टीचर एजुकेशन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसकी थीम आपको याद रखनी है। तो इसकी थीम है टीचर जर्नी ऑफ एजुकेशन लोकल टू ग्लोबल। क्या है थीम? टीचर जर्नी ऑफ एजुकेशन लोकल टू ग्लोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मछलियों की 5 नई प्रजातियों की खोज की गई है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश में मछलियों की 5 नई प्रजातियों की खोज की गई, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अरुणाचल प्रदेश में है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मछलियों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है। अब ये खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? इटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य की तिरूर सुपारी को जीआई टैग दिया गया? तो तिरूर सुपारी ये केरल में पाई जाती है और इसको अभी जीआई टैग दिया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मो सरकार पहल की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।